व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे। मैं भी अच्छा हूँ आपका भाई। और आज मैं आ चुका हूँ बहुत ही शानदार जगह पे, ये देख लो 360 व्यू। और आज मैं हूँ चिंटू भैया के साथ। तो यहाँ पे क्या क्या है, मतलब बढ़िया बढ़िया जगह जो आप मुझे आज दिखाने वाले हो। ये रहु गांव है, ये रहु घाट है, जो चंबल का जो पानी आता है, जो यहाँ पर जो पूरा चंबल का पानी आता है इसी रहु घाट में गिरता है पूरा। एक मैं आपको बात बता दूं, आज मैं नहाने भी वाला हूँ यहाँ पे। वैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है, पर मैं आज नहाने वाला हूँ यहाँ पे। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ सब चीज़ें और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा। और बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट है ये, तो वो भी दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अभी कितने बीचों बीच हम कितनी शानदार जगह से जा रहे हैं। एकदम पथरीला रास्ता है। और ये वापस से मैं बता देता हूँ, नदी का तल है। ये देखो क्या शानदार जगह है। ये देखिए पीछे कितना शानदार मज़ेदार लाजवाब सीन है। और बहुत ही तगड़ी जगह है, वो मैं दिखाने वाला हूँ, पास से भी दिखाऊंगा। और ये देखिए पूरी जगह, और वो वाली जगह भी मैं दिखाने वाला हूँ, रहु झरना बोलते हैं इसे, रहु वाटरफॉल, वो वाली तगड़ी जगह है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी चिंटू भैया ले जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार जगह। ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत तगड़ा वाला व्यू आता है, बहुत ही तगड़ा वाला सीन आता है और वीडियो के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलते हैं अभी जल्दी से जहाँ पे आप ले जा रहे हो, काला पानी की जगह पे। सो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही शानदार जगह लेके आ चुके हैं भैया। और बहुत ही लाजवाब प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है, बहुत ही एकदम चुम्बेश्वर चीज़ें बनाई हैं। ये देखो क्या शानदार सीन आ रहा है, मतलब ऐसा थंबनेल कैसा लगेगा वीडियो के अंदर। और ये देखो मैं अभी बहुत ही बारीकी से आपको चीज़ें दिखाऊंगा, और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स मिलते हैं तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या शानदार नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। वो देखिए वहाँ पे रहु झरना बह रहा है, और इस साइड से भी बह रहा है। वो वाला साइड है एमपी का साइड, और ये है राजस्थान का साइड। और बीचों बीच इस नदी के अंदर से यहाँ से सीमा गुजरती है राजस्थान और एमपी की, मतलब इस साइड राजस्थान है, उस साइड एमपी है। और ये देखिए क्या शानदार जगह दिख रही है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये सांप की तरह चल रही है। मेरे पास ड्रोन नहीं है, नहीं तो ड्रोन शॉट ऐसा लेता आपके लिए, बहुत ही शानदार। और ये देखो क्या गज़ब नज़ारा आ रहा है। और यहाँ से देखो पानी कैसा दिख रहा है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मगरमच्छ रहते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ये ऊंचाई चट्टान दिख रही है, ऐसी चट्टान पे अभी हम खड़े हैं। ये देखिए अभी हम खड़े हैं, वैसे वहाँ से देखे तो पता चलेगा। और ये देखिए पूरी ऐसी चीज़ें हैं, और वहाँ पे बंदर भी बैठे हैं। ये देखो वाइड एंगल का भाई यही फ़ायदा होता है, एकदम चीज़ें वाइड में दिखती हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर ये देखो इस जाल भी फेंक रखा है भैया ने, और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल फेंक रखा है। ये देखो भैया यहाँ पर मगरमच्छ भी है क्या? हाँ मगरमच्छ काफ़ी है इसमें। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी खतरनाक चीजें भी होती है क्या मगरमच्छ, मतलब किसी को खा गई या कुछ? हाँ, भैंस वगैरह खा जाता है, और आदमी वगैरह को खा जाता है, यहाँ पर सावधानी से चलना पड़ता है। और यहाँ पे आपने मछली भी बताई थी, वो कैसी, कितनी बड़ी मछली देखी? मछली कम से कम 25-25-30 मतलब किलो की एक ही मछली, और बहुत बड़ी बड़ी मच्छी है, और इसमें बड़ी भी मच्छी होंगी, पर 25-30 किलो की मच्छी हमने कई बार देखी है। देखिए, और भैया ऐसे बता रहे थे उनका जो आकार होता है, जो उनकी हाइट होती है, भैया के करीब होती है, और इनसे भी बड़ी बड़ी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये जो चट्टान दिख रही है, इसमें जो लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है, ये देखिए ध्यान से देख पा रहे हो तो। और यहाँ पे भी ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये पानी बहने से हुई है, साल दर साल पानी पत्थर को काटता जाता है और ऐसी कुछ लाइनें बना देता है। तो गाइज ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रहु घाट। ये है रहु वाटरफॉल, और ये पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ पे मैं एक फन फैक्ट बता देता हूँ आपको। ये देखिए जितना भी आपको पानी दिख रहा है, ये पूरी नदी का 0.76% है, ओनली 0.76%। तो देखो, सोच के देखो, यही इतना ज़्यादा पानी दिख रहा है तो वो कितना ज़्यादा पानी होता होगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ, और चलते हैं मिलते हैं, चलो। दोस्तों ये देखिए हम नहा चुके हैं, और बहुत ही अंधेरा हो चुका है। वैसे कैमरा में पता नहीं चल रहा है कि कितना अंधेरा हो चुका है, वैसे बहुत अंधेरा है। सो ये देखिए जहाँ से नदी आ रही है, ये आ रही है कोटा से,
और ये जा रही है, ये यूपी में इटावा में जा रही है और वहाँ पे जाके ये यमुना नदी से मिलेगी। ये देखिए इस साइड ये यूपी इटावा में जा रही है और इस साइड ये कोटा से आ रही है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है राजस्थान करौली। और एकदम अभी बहुत तगड़ी वाली हवा चल रही है जिससे अभी ठंड लग रही है। और ये देखिए क्या शानदार जगह है, ये देखिए।